चलिए इधर देखिए, एक हम लोग जो है आंख का बनावट और कान को पढ़ लिए। अभी आंख कैसे देखता है, तो आपको बताए थे कि आंख देखता है एक प्रकाश की उपस्थिति में, और प्रकाश का एक क्रिया होता है, परावर्तन की क्रिया होता है, तभी हम किसी चीज को देख पाते हैं। अगर मान लिया प्रकाश रूम में है तो हमें आप देख रहे हैं, प्रकाश तो हमारे पूरे शरीर पर पड़ रहा, प्रकाश से सारे रूम में है, लेकिन आप पीछे देख रहे हैं मेरा, इसलिए कि आपका एक प्रकाश जो हम पर पड़ा वो टकरा के आपका आंख पर गया, तो इसी को जानना है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो हम समझेंगे इसको, क्रियाकलाप को हम लोग करेंगे। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, इसका हम करके देखेंगे। विज्ञान कहता है कि जब तक आप करके नहीं सीखते तब तक आप विज्ञान को नहीं समझ पाते। तो पहले देखिए प्रकाश के परावर्तन को जानने के लिए देखिए एक दर्पण, समतल दर्पण हम ले लेंगे, है ना। और ये दर्पण को लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर हम टॉर्च के माध्यम से प्रकाश को डालेंगे। प्रकाश क्या करेगा, वो दर्पण से टकरा कर लौटेगा, उसी को लौटने की क्रिया को हम कहते हैं परावर्तन। अब देखिए होता क्या है, मान लिया में हम टॉर्च से यहां हम प्रकाश दे रहे हैं, किस पर, ये दर्पण, प्रकाश किरण जा रहा है, प्रकाश किरण, एक किरण प्रकाश का किरण जा रहा है ना, इसको ये कहां जा रहा है, दर्पण पर जा रहा है, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अब प्रकाश तो वहां चला गया, मान लिया यहां ये चला ए से, यहां गया ओ, अब वहां से लौटेगा, ये लौटेगा है ना, क्या हुआ, परावर्तित होगा ना, तो इसको कौन किरण बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, है ना, लौट गया। अब देखिए ये प्रकाश यहां से गया, यहां से लौटा, अब देखिए तो यहां जो है एक हम अविलंब लेते हैं, बीचे बीच अविलंब ले लिए ना, यस सर, अविलंब। हाँ, अब देखिए अविलंब के बाद इधर देखिए ये जो आपका कोण बना ना, ये अविलंब के बाद इधर एक कोण बना, एक कोण ही बना, तो ये जो ये कोण को हम यहां से यहां जो देखेंगे इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, इसको हम लिखते हैं आई से निरूपित करते हैं, क्या से, आई से, है ना। अभी जो कोण बना प्रकाश वहां से लौटा है ना, तो उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन हो गया है ना, तो परावर्तन कोण इसको हम लोग आर से लिखते हैं, है ना। अब देखिए इस ढंग से आप समझिए, आपको हम समझाएंगे, ये टॉर्च लिए हैं, कंघी लिए हैं, सारी सामान को हम ले या प्रैक्टिकल इसको करके देखेंगे तब हमें समझेगा। आप ये आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है बराबर होता, क्या होता है, बराबर। तो हम देखेंगे इसमें कि सही मायने में जितना आपका आपतन कोण होता है उतने मान परावर्तन कोण का भी होता है। तो आप लोग क्रियाकलाप करने के लिए तैयार है। देखिए अब हम लोग जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम समझेंगे क्रियाकलाप के माध्यम से, कि कैसे जो है प्रकाश का परावर्तन होता है, आपतन कोण अपरावर्तन कोण कैसे बनाता है। इसके लिए जो आवश्यक सामग्री हमने ले लिए हैं, आपको प्लेन दर्पण है, समतल दर्पण, और हमने चांद भी ले लिए हैं, और देखिए कंघी है, एक कंघी भी हम लिए हैं। इसमें देखिए हम एक घर को छोड़ दिए हैं,
इसी से प्रकाश को हम डालेंगे, प्रकाश क्या जाएगा दर्पण पर जाएगा और लौटेगा, और उसको हमको देखना है कि क्या जो प्रकाश जाता है लौटता है, और आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है सही में बराबर होता है दोनों का मान, और हम देखेंगे इसको कि अभिलंब कैसे बनाता है, तो इसको हम करके देखते हैं। देखिए एक बच्चा आइए, इसको धरिए यहाँ, कमरा को अंधेरा करिए थोड़ा, अंधेरा कर। देखिए अब जो है आपको लेजर लाइट से हम दर्पण पर जो है लाइट को दे रहे हैं, वो जा रहा है, और देखिए आप इसको यहाँ एक एंगल बना रहा है, यहाँ से एक लाइट इधर लौट रहा है। यस सर। इसी को बोलते हैं हम लोग परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए इधर से जो जा रहा है लाइट और इधर से टकरा के लौट रहा है, इसमें देखिए एक जो है बीचे बीच एक बिंदु जैसा दिख रहा है, यहाँ हम एक बिंदु लगा देते हैं, देखिए लगा दिए ना। यस सर। अब इसको देखना है कि आपतन जो क्या रहा, किरण आपतित किरण और परावर्तित किरण, अब यहाँ क्या करता है कोण बना रहा है, एंगल बना रहा है। और आप एंगल को देखिए कि जितना आपका यहाँ पहले अभिलंब ले लेते हैं, एक देखिए स्केल हम रख रहे हैं बीचों बीच, है ना। यस सर। है ना। अभी अभिलंब हो गया, अब देखना है कि कोण कितना का बना रहा है। देखिए आपका चांद, चांद को हम रख रहे हैं, अब देखिए 60 डिग्री का कोण बना रहा है। आपतन कोण और परावर्तन कोण देखिए यहां भी 60 पर है ना। यस। यहां भी देखिए आपका 60 पर है और यहां भी 60 पर है। आपतन कोण और परावर्तन कोण देखिए एकदम बराबर है, देखिए 60 पर ये भी है ना। यस। आप इसको देखिए गौर से, चांद को यहां भी देखिए 60 से जा रहा है और 60 से टकरा के लौट रहा था। ये हुआ प्रकाश का जो है परावर्तन का नियम, और जो दोनों आपतन कोण और परावर्तन कोण जो क्या होता है बराबर होता है। इसको भी आपको हम अब दिखा देते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो बाल केंद्रित शिक्षा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।